दिल्ली दस्तक में आप सभी लोगों का स्वागत है। और मैंने आपको कहा है कि दिल्ली दस्तक, दिल्ली एनसीआर के अलावा हमारे उत्तराखंड कोटद्वार से लेकर पूरे पहाड़ों की खबर हम आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, लगातार दिखाते रहते हैं। और आज मैं एक प्राचीन शहर दुगड्डा में हूँ। और दुगड्डा के बारे में आपको ये बता दूँ कि दुगड्डा जो है कोटद्वार से भी पहले का शहर है, और सबसे पहले व्यापार दुगड्डा से ही होता था। और दुगड्डा यमकेश्वर विधानसभा क्षेत्र में पड़ता है। और किस प्रकार की समस्या यहाँ पर लोगों के साथ है, आइए उनसे ही बात करेंगे, उनके बारे में ही जानेंगे। और लगातार ग्राउंड जीरो से मैं आप लोगों के साथ रिपोर्ट करता रहता हूँ। मेरे साथ एक बुजुर्ग हैं, सर क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम है श्री आत्मराम। सर आप लोगों के यहाँ इस दुगड्डा में या यमकेश्वर विधानसभा में क्या क्या समस्याएं हैं आप लोगों के साथ? समस्या तो कई एक हैं, कोई देखता तो है नहीं, विशेष कोई देखता नहीं है, कोई देखता। अच्छा, कोरोना में भी कई समस्याएं आई होंगी? आई हुई। लगता है कि आपको सरकार ने कोरोना में उस प्रकार का काम किया जिस प्रकार का उनको करना चाहिए, लगता है? ना ना, किया है उन्होंने, कोरोना के बारे में किया है, किया है जी। स्कूल में कोरोना में रहे 14 दिन तक, उनको राशन भी दिलाई है जी, और दवाई दारू भी दिया, डॉक्टर भी आता रहा, लाइट का बंदोबस्त किया किया उन्होंने। अच्छा सर, बात करें अगर 2022 के विधानसभा चुनाव के चुनाव के बारे में, तो लग रहा है आपको कि जो आपकी जो विधायक है रितु खंडूरी, वो जीत जाएंगी इस बार? और जीतने को तभी जीतेंगे जब कुछ करके दिखाएंगे। उन्होंने काम किया। सुने साहब, मैंने दिया था ये एक मंदिर सुंदरीकरण के लिए, और ये कागज फिर देखे रखा था, और ये दिया अभी देखिए ऊपर बैठे हैं आपको, वो तो हुआ नहीं, एक साल हो गया और कागज दिया हुआ। मतलब आप कह रहे हैं कि वो काम नहीं किया रितु खंडूरी ने जो उनसे करना चाहिए था? उन्हें करना चाहिए था, वैसा और जगह कर रहे हैं, और जगह कर रहे हैं। क्षेत्र के विधायक हैं, क्षेत्र में कोई काम नहीं? मुझे क्षेत्र में तो कभी आए भी नहीं, बार काम है कभी आए भी नहीं, इलेक्शन के दौरान भी नहीं आए। तो लग रहा है इस बार परिवर्तन होगा? परिवर्तन तो नहीं बोल सकते, दुनिया की हवा है, हम तो नहीं बोल सकते इसी बारे में। तो देखिए, जिस प्रकार से बुजुर्ग हैं और उन्होंने कहा है कि विधायक साहिबा ने कुछ भी काम इस क्षेत्र में नहीं किया है। एक सज्जन और मेरे साथ हैं, इनसे भी बात करेंगे। सर आपका शुभ नाम? राजेंद्र सिंह। राजेंद्र सिंह जी, मुझे बताइए कि 2022 का चुनाव नज़दीक है, क्या आपको लगता है कि जो आपकी विधायिका हैं रितु खंडूरी जी, वो चुनाव जीत जाएंगी या कुछ नया होगा? और आपके क्षेत्र में किस प्रकार के काम हुए, क्या समस्याएं आप लोगों की हैं? हमारे क्षेत्र में अभी तक कोई काम नहीं हुआ, 2 साल होने को पूरे हो रहे हैं। अच्छा, लेकिन अभी तक कोई काम नहीं है। अच्छा, आप क्या करते हैं? हम ड्राइवर करते हैं सर। आपकी क्या समस्या है? हमारी समस्या ये है कि सर हमें 3 महीने तक गाड़ी खड़ी रही, हमें लॉकडाउन में हमें कोई आर्थिक सहायता नहीं मिली। अच्छा, सरकार ने जबकि टैक्स माफ़ करने को दे रखा था अखबार में, लेकिन फिर भी वो हमसे पेनल्टी ले रहे हैं। अच्छा, टैक्स माफ़ के लिए सरकार ने कहा था, लेकिन फिर भी पेनल्टी जो ले रहे हैं जी। हाँ। अच्छा, और कुछ समस्या आप लोगों? समस्या हमारी सर सबसे बड़ी है कि हमारी रोड, यहाँ की रोड जो है वो ख़राब है। रोड ख़राब है जी, रोड पर कोई ध्यान नहीं है, 3 साल हो गए रोड को ऐसे की जैसे है, दुगड्डा कोटद्वार वाले मार्ग पर। तो दोस्तों, जिस प्रकार से ये हैं और एक ड्राइवर हैं, गाड़ी मालिक हैं, और इन्होंने कहा है कि जिस प्रकार की समस्या है और लगातार को ये जो जो रोड वाली जो समस्या है कोटद्वार दुगड्डा राष्ट्रीय राजमार्ग की समस्या से आप लोगों को निरंतर मैं अवगत कराता रहता हूँ, और वाकई वो रोड बहुत ख़राब है, कभी भी उससे जो है दुर्घटना हो सकती थी। और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि चूनाधारा से जो उधर रपटा है, वहाँ पर एक 3 व्यक्तियों की मौत हो चुकी है, एक जो 4-व्हीलर है वहाँ से गिर गया था वहाँ पर नीचे, और उसके बाद उनकी डेड बॉडी बहुत दूर कोटद्वार के नदियों में पाई गई थी। तो गंभीर विषय और सोचने वाली बात है। और दुगड्डा में मैं हूँ और कुछ लोग, और उनसे भी बात करूंगा। सर आपका नाम? अशोक कुमार। सर दुगड्डा में क्या क्या समस्याएं हैं? दुगड्डा में बहुत सारी समस्याएं हैं सर। कैसी? जो बहुत सारी, बहुत सारी, जैसे गाड़ियों को लेके, सड़कों को लेके। हाँ जी। अच्छा, आप अपने विधायिका को कितने नंबर देंगे 5 में से अगर मैं कहूँगा? हम तो 1 नंबर भी नहीं देंगे सर उन्हें, 1 नंबर। तो इस बार परिवर्तन होगा? होना चाहिए परिवर्तन। अच्छा, जैसे आम आदमी पार्टी ने अभी दस्तक दे दी है, तो उनके बारे में क्या कहोगे? लग रहा है कि कुछ वो यहाँ पर स्टैंड कर पाएगी? देखो, उनके क्या क्या मुद्दे होते हैं, क्या क्या वो कितने मतलब उस पर सफल होते हैं, विधायिका की बात यह है तो बहुत सारे लोग उसको पहचानते भी नहीं होंगे। यहाँ विधायिका जी को पहचानते नहीं है? पहचानते भी नहीं होंगे बहुत सारे लोग। अच्छा, तो वो गोल रहती हैं यहाँ से? कभी देखा ही नहीं है, कभी बाज़ार में कभी उनका, जिस तरीके से वो यहाँ की विधायिका है, उन्होंने कभी लोगों के सुख में दुख में कभी पार्टिसिपेट किया ही नहीं। नाम बड़े और दर्शन छोटे, बिल्कुल। सर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। जी जी जी, कहिए। जो सरकार मनरेगा का पैसा भेज रही है मजदूरों के खाते में, लेकिन सर उसको प्रधान हमारे खाते में इन्वॉल्व नहीं कर रहा है। अच्छा, प्रधान वो नहीं कर रहा है जी। तो आप प्रशासन को क्या कहेंगे? हम ये कहेंगे सर, अब तो आज इनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। खाता में आना चाहिए सर, पैसा वो खाते में आना चाहिए। वो पैसे भी नहीं दे रहे हैं सर मनरेगा का। मनरेगा का पैसा भी लोगों को नहीं मिल रहा है, और जिस प्रकार से उसमें भी बंदरबांट चल रही है, वो एक गंभीर विषय। और भी लोगों से यहाँ पर बात करेंगे। सर आप यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं सर। क्या नाम है सर आपका? विनय। क्या क्या समस्याएं आप लोगों के यहाँ हैं? यहाँ तो बहुत समस्याएं हैं सर। अच्छा, कितनी समस्या बताया जाए यहाँ पे? जैसे
अर्थात जिसके आने चाहिए उसको आते नहीं, जिसके निगण है वो मतलब कह नहीं सकते हम। विधायक का कैसा काम कर रही हैं आप? विधायक के भी ऐसे ही है, रोड सारी खाली सब खत्म हो जाती है। मैं कह रहा हूँ कोई भी योजना आती है उसका कोई पता नहीं चलता कहाँ जाता है पैसा। योजना का कोई पता नहीं चलता, गाँव वाले ये कह रहे हैं कि गाँव वाले से शहर वाले का भी कोई पैसा नहीं पता चलता इनका कि कहाँ जा रहा पैसा, जैसे कन्यादान का है। अच्छा, यहाँ के जो विधायिका का काम कैसा देख रहे हैं आप? ठीक नहीं लग रहा। लग रहा है कि परिवर्तन होगा? नहीं होगा अभी, परिवर्तन होगा लग रहा है, देखें आप तब क्या। तो दोस्तों, दुगड्डा के लोगों से मैंने राय ली और जिस प्रकार से मैं आपको कह रहा हूँ कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लगातार मैं लोगों की राय लेता रहूँगा, यमकेश्वर विधानसभा, कोटद्वार विधानसभा और आपका लेंजडॉन विधानसभा क्षेत्र, इन तीनों विधानसभा क्षेत्र की लगातार अपडेट और लोगों की राय मैं दूंगा। और दुगड्डा के इस दुगड्डा में मैं हूँ और दुगड्डा में जिस प्रकार से लोगों ने कहा, अगर 5 लोगों से हमने बात की तो 5 लोगों में से कोई भी एक व्यक्ति जिसने ये नहीं कहा कि यहाँ की विधायिका से हम खुश हैं। और लगता है कि इस बार इस यमकेश्वर विधानसभा में परिवर्तन आने वाला, परिवर्तन आता रहता है। जनता क्या करे, जनता तो अपना वोट करती है, एक बार कांग्रेस को वोट देती है, एक बार बीजेपी को वोट देती है, जनता सिर्फ एक अपने वोट को चेंज करती रहती है, लेकिन उनकी समस्याएं कभी बदलती नहीं है, समस्याएं जस की तस रहती है। और लगातार अपने वीडियो के माध्यम से, अपनी खबरों के माध्यम से मैं ये कहता हूं कि 2022 का विधानसभा चुनाव और 20 वर्ष का समय उत्तराखंड को बना हुआ हो गया, लेकिन जिस उत्तराखंड की हम लोगों ने कल्पना की थी वो उत्तराखंड बिल्कुल भी नहीं है। जिस उत्तराखंड के लिए हमने सोचा था हमारे यहाँ के नेता होंगे, हमारे अपने लोग होंगे, हमारी अपनी समस्याओं को जानेंगे, लेकिन वैसा कुछ भी नहीं है। पहाड़ में पहाड़ जैसी समस्याएं जरूर है, लेकिन नेता में पहाड़ जैसा दिल नहीं है। और लगातार मैं आप लोगों को इसी प्रकार से अपडेट करता रहूंगा। दिल्ली दस्तक के लिए मैं प्रवीण थापा, दुगड्डा उत्तराखंड से।